तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है हल्का फुल्का थियोरेटिकल चैप्टर है। इसमें जो सम्स आएंगे उस पर सम्स में क्या है कि हमें बहुत सारी थियोरी भी लिखनी पड़ती है। इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सियोम्स आने वाले हैं, थियोरम्स आने वाले हैं, प्रूफ आने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप जो मेरा इस जो चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको शुरुआत से एंड तक अगर देखते हो, स्टार्टिंग से एंड तक अगर देखते हो, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कोई डाउट इस चैप्टर में नहीं रहेगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, है ना, छोटी छोटी जो टर्म्स और डेफिनेशंस होती है किसको क्या बोलते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, आपको पता है कि देखो दिस इज वन एंड पॉइंट एंड दिस इज सेकंड एंड पॉइंट, बराबर। अगर इस एंड पॉइंट के मैं नाम दे दूँ ए एंड बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ ए पोर्सन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का कुछ हिस्सा होता है, एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा विथ टू एंड पॉइंट। देखो दो एंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, और लाइन देखो, लाइन का टुकड़ा यानी लाइन कैसे होती है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दिस इज अवर लाइन। ओके, ये है हमारा लाइन ए बी, इस लाइन को इस तरह से बताया मैंने, लाइन ए बी। अगर इस लाइन का कुछ हिस्सा जैसे कि ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट यानी टुकड़ा, हिस्सा। ओके, तो इसको बोलते हैं हमने लाइन सेगमेंट बोल दिया, और जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ओके, पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं कि पोर्शन ऑफ अ लाइन, इसी बात में अगर ये वाला सिर्फ यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो रे है, देखो इसको रे बोलेंगे, ये जो एरो है अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ए से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसमें एक साइड एरोहेड होगा और इस एक साइड एंड पॉइंट होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा रे का, कि पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ अ टू एंड पॉइंट, तो क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ये क्लियर हो गया। और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट नहीं है, बराबर, क्योंकि देखो ये आगे जा रहा है, ये एंड पॉइंट नहीं है। तो एक एंड पॉइंट वाला जो लाइन है, लाइन का एक पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका तीनों को अलग अलग है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको कैसे बताते, जब भी आपको लिखना होता है तो इसको कैसे लिखते हैं भाई। तो देखो आपको लिखना होता है ए बी, और ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है, ए बी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ओके, इसको ये दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, रे को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी के ऊपर ऐसा एक एरो बनाओगे, ठीक है, ए बी के ऊपर इस तरह का सिंबल, जैसे ये है उसी तरह ऊपर सिंबल आएगा, तो दिस इज रे ए बी, कैसे पढ़ते हैं, रे ए बी। ओके, इसके बाद देखो लाइन है, तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दोनों तरफ एरो बताना है आपको, दिस इज लाइन ए बी। ओके, तो देखिए तीनों का रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है हल्का फुल्का डिफरेंट है। ओके, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज रे ए बी, और दिस इज लाइन ए बी। अब बात करेंगे इस चैप्टर की, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, इसके अंदर देखिए ये सब डिफरेंस है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ऐसे ये सब डिफरेंस को हम काउंट नहीं करने वाले। जब भी आपको लाइन लिखना है, रे लिखना है, तो आप सिंपली ऐसा लिख दो लाइन ए बी, तो चलेगा। ओके, और देखिए एक बात और बतानी रह गई कि अगर सिर्फ ए बी लिखते हो तो वो लेंथ बताता है, ए से बी तक का लेंथ। ओके, अगर आप ऐसा लिखते हो ना, ऊपर कुछ लिखते नहीं, तो जनरली वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ओके, बट इस चैप्टर में आपको ये कोई भी डिफरेंस समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या है, बट डिफरेंस जो हम यूज़ करने वाले हैं सम्स के अंदर, तो उसके अंदर आप सिंपली लाइन ए बी या सिंपली ए बी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो मीनिंग है वो पता है, बट यहाँ पे तो हमें क्लियर है कि हम लाइन का ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको सिंपली लाइन ए बी या ए बी, या आप आगे ऐसा रे ए बी लिखोगे, या आप लाइन सेगमेंट ए बी लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर। तो इस चैप्टर के हिसाब से ऐसा हम डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले आगे जाके, है ना, हम सिंपल ए बी
सिंपली इसी तरह हम रिप्रेजेंट करने वाले, जैसे कि लाइन ए बी या सिंपल ए बी लिख देंगे, ओके तो चलेगा, ठीक है ना। अब जो इसी के अंदर जो सेकंड चीज़ है ये आपको है कि जो जब आप लाइन रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे लेटर भी आपको ध्यान से अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने दो लेटर यूज़ किए ए और बी और बता दिया कि दिस इज़ अवर ए बी, बराबर। आपको ऐसा भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, है ना, आपको कोई नहीं रोकेगा कि इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो जब आप कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे हो, ओके दिस इज कैपिटल लेटर्स यूज़ किया हमने ए एंड बी, ओके तो आपको दो लेटर का यूज़ करना पड़ेगा। बट इसी लाइन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल लेटर से, ओके स्मॉल लेटर से, तो आप सिंपली आप यहाँ पे स्मॉल लेटर ऐसा एल लिख सकते हो कि दिस इज अ लाइन एल, दिस इज लाइन एल, एल एम एन आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, बराबर। ऐसा एल जरूरी नहीं है कि एल ही यूज़ करो, बट बात मेन ये है कि कैपिटल लेटर होता है तब आपको दो पॉइंट बताने पड़ते हैं लाइन पे, और जब स्मॉल लेटर होते हैं तो आपको कोई पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं, आपको लाइन के बाजू में आप इस तरह से स्मॉल लेटर लिख सकते हो। तो ये भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है। हम इसको पढ़ेंगे दिस इज़ लाइन ए बी और दिस इज़ लाइन एल, ओके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल लेटर में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है, जैसे कि एल हो गया, ओके एम हो गया, एन हो गया, है ना। तो ये चीज़ हो गई कि लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट हमें करना है, ओके तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, ओके क्या बात कर रहे हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स, ओके दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब भी एक लाइन के ऊपर, जैसे कि ये लाइन है उसमें देखो दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, दो पॉइंट है, तो दो से ज़्यादा कोई पॉइंट एक ही लाइन पे होता है, जैसे कि कोई पॉइंट एक्स भी है, ओके तो इसका मतलब ये कौन से कोलिनियर पॉइंट्स हुए, ए एक्स एंड बी, ये तीनों क्या हो गए, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, बराबर ना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए, अगर थ्री पॉइंट्स या थ्री से ज़्यादा भी चले गए, ओके थ्री से ज़्यादा, देखो यहाँ पे कोई वाई भी है, चलो ये भी बता दिया, तो इसके बाद ये भी हो गया ना, ए एक्स y और b, ये चारों क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, है ना, थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स, ओके थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, मोर देन थ्री पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे होने चाहिए। अगर ये सेम लाइन पे है थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो थ्री या थ्री से ज़्यादा नहीं है तो फिर उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके तो सेकंड उसका ऑपोजिट क्या हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कि देखिए ये दो पॉइंट मैंने बता दिए ए और बी, ये तो लाइन पे है, बट जो थर्ड पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है, ओके जो एक्स पॉइंट है समथिंग यहाँ पे है, कैसे होता है, तो ये देखिए ये बात करेंगे, सॉरी ये एक्स बता दिया मैंने यहाँ पे और ये वाई बता दिया, ओके और यहाँ पे ओ बता दिया, तो देखो ये ए ओ बी ये तो क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, बराबर। पर ए एक्स और बी, बराबर ए एक्स बी ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए और एक्स और बी, क्योंकि ये सेम लाइन पे नहीं, ये एक्स जो देखिए एक्स कोई दूसरी लाइन के ऊपर है ना, तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स यानी एक ही लाइन पे होते हैं, तीन पॉइंट्स होने चाहिए, ओके दो पॉइंट नहीं, तीन पॉइंट होने चाहिए एक लाइन पे, तीन से ज़्यादा कितने भी चलेंगे, तीन से ज़्यादा कितने भी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर पॉइंट्स, और तीन पॉइंट नहीं है, तीन पॉइंट नहीं हो रहे एक ही लाइन के ऊपर, सिर्फ दो पॉइंट है और तीसरा पॉइंट कोई दूसरी लाइन के ऊपर है या बाहर है उस लाइन के, तो फिर ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ऐसे थ्री तीनों पॉइंट्स को या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स को जो एक ही लाइन पे है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ आया है ना। तो पहली चीज़ हमने समझाई कि लाइन रे और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओके उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा चीज़ हमने समझा कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब थर्ड चीज़ हम बात करते हैं, देखिए लाइंस तो बात लाइंस के बारे में बात हो गई, थोड़ा एंगल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एंगल्स जो होता है, तो आप देखिए अगर कोई रे है, मैंने आपको समझाया ना रे क्या होता है, तो कोई रे अगर एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई रे एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, ओके
ये देखो, ये एक रे मैंने एक पॉइंट ओ से ओरिजिनेट करवा दिया कि रे ओ ए, और ऐसा सेम रे उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी इसका मतलब कि दो रे, टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट ओके, सेम पॉइंट्स मेक्स क्या बनाएगा, मेक्स एन एंगल, ओके क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, ओके तो दिस इज अवर एंगल। देखो बी ओ ए रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको लिखने का तरीका क्या है, बी ओ ए एंगल, ऐसा एंगल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे बी ओ ए, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और बी ओ ए नहीं तो ए ओ बी भी लिख सकते हो एंगल, या तो इस एंगल का कोई अंदर नाम आप दे रहे हो जैसे कि एक्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल एक्स, या तो सिंपली एक्स भी लिख सकते हो, बट वो एक्स एंगल ऐसा फिगर के अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे और वहाँ पे जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप ऐसे एक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं चलेगा ऐसा, है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको जो डायग्राम है उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि एक्स यहाँ पे है, ठीक है, तो चलेगा, है ना। अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो रे है, ये दो रे जो है, दोनों रे है ना, ये रे को हम बोलेंगे आर्म्स, ओके, ये दिस इज फर्स्ट आर्म एंड दिस इज सेकंड आर्म, तो ये दोनों रे को हमने क्या बोला, आर्म्स बोल दिया, ओके। और ये जो पॉइंट है जो ओरिजिनेट हो रहा है जहाँ से ये दो रे, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ओके। तो देखिए, ये दो को हम आर्म बोलते हैं, और आर्म जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एंगल, ओके, दिस इज अवर एंगल, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का जो बेसिक डेफिनेशंस एंड जो बेसिक टर्म्स थी उसके बारे में। अब एंगल्स के बारे में देखिए, तो एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल। तो बने रहे हमारे चैनल वीना ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी ये जो सीरीज़ है पूरी, ये बहुत लंबी चलने वाली है, और हर एक एग्जांपल्स मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ओके। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करवा दूंगा, ओके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी है, जो मैंने आपको समझाया, ये समझ आ गया है, ओके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।